हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फंक्शन प्रोटोटाइप जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था आपको, आज हम उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम में भी यूज डिफाइन कर सकते हैं और हम मेन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम में डिफाइन करने में ये रहता है कि जब मेन के अंदर कंपाइलर उसको एनकाउंटर करता है तो उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो आज हम ये प्रोग्राम बनाते हैं, से मान लीजिए क्वेश्चन ये है या एग्जाम्पल है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी। ठीक है, इसका हमें सी प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए, इसका सी प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाया था, उसमें हमने क्या किया था कि जो प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन है वो हमने मेन से भी पहले डिफाइन किया था। आज जो हम बनाते हैं उसमें प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन हम मेन के बाद में डिफाइन करेंगे और उसकी वर्किंग आपको समझाते हैं। तो देखिए, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, कमेंट लाइन लिख दी कि कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी। ये तो हो गई कमेंट लाइन। ठीक, उसके बाद हमने कहा हैश इंक्लूड, ये हमने stdio.h के नाम से जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड कर लिया, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट हो गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो हम आगे फंक्शन बनाएंगे उसका हम यहाँ प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं। तो जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया लॉन्ग इंटीजर, तो ये तो डाटा टाइप हो गया फंक्शन का। फंक्शन का नाम हमने रखा फैक्टोरियल और इसका जो अंदर इन ये आर्गुमेंट हो गया इंटीजर एन, ऐसे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो सिंपली आप इसको कमेंट लाइन में हम आपके लिए लिख सकते हैं समझने के लिए कि दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, मतलब फंक्शन का फॉर्मेट हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद जैसे हम मेन शुरू करते हैं प्रोग्राम, वैसे हम लिखेंगे मेन। अब मेन के बाद हमने क्या किया, ये मेन की बॉडी शुरू हुई, हमने लिखा प्रिंट एफ, या पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एन, फिर हमने कहा प्रिंट एफ एंटर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर एंटर कीजिए, और हमने कहा स्लैश एन लगा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए और ये क्लोज, तो ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। फिर जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसको स्टोर किया परसेंटेज डी एम्परसेंट एन में, तो वो वैल्यू एन में स्टोर हो गई। अब उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो अब देखिए, पिछले में हमने क्या किया था कि एक वेरिएबल लेके वहां पे फंक्शन कॉल किया था। डायरेक्टली हम कैसे कॉल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप यहीं पे आप लिखिए प्रिंट एफ, ठीक है, हमने कहा स्लैश एन, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा कि फैक्टोरियल वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ द एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू, यहाँ हमने दिया परसेंटेज, लॉन्ग इंटीजर के लिए हम दे दिया एलडी परसेंटेज क्लोज कॉमा। अब यहाँ देखिए, यहीं पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा फंक्शन लिख दिया फैक्टोरियल, और किसके लिए फैक्टोरियल कॉल किया, एन के लिए, यहीं पे हमने लिख दिया डायरेक्ट ही, और
उसके बाद ये प्रिंट एफ की बॉडी क्लोज हो गई, स्टेटमेंट बंद हो गया ये, और ये हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ मेन की बॉडी खत्म हो गई। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ फंक्शन प्रोटोटाइप तो डिक्लेयर किया है, लेकिन यूजर डिफाइंड अभी इस फंक्शन में क्या होना है या फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, और हमने यहाँ क्या किया, इंटीजर एन। ठीक, अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर आई, और एक और वेरिएबल हमने लिया लॉन्ग इंटीजर, हमने लिया प्रोडक्शन के नाम से, प्रोड इक्वल टू असाइन कर दिया वन। अब हमने चेक किया कि इफ एन इज ग्रेटर देन वन, अगर जो नंबर हमने पास किया है यहाँ मेन फंक्शन से वो वन से ज्यादा है तो आप क्या करो, तो आप फॉर का लूप चलाओ, फॉर आई इक्वल टू टू से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक, और प्लस प्लस आई। ठीक, और फॉर में हमें देना क्या है, फॉर में हमें देना है जैसे अगर हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो समझाने में दिक्कत होगी। फॉर के बाद हम ये लिख देंगे जो प्रोडक्शन प्रॉड हमने वेरिएबल लिया है, और ये हमने बिट वाइज ऑपरेटर यूज किया मल्टीप्लीकेशन के लिए, और लिख दिया आई। इसका मतलब क्या होता है, हम पहले भी पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं, इसका मतलब होता है कि प्रॉड इक्वल टू प्रॉड इंटू आई। ठीक है, अब इसके बाद तो इससे क्या होगा कि आई से लेकर टू से लेकर एन तक ये काम होता रहेगा। अब उसके बाद इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रॉड, ये बंद कर दीजिए, ये फंक्शन की बॉडी बंद हो जाएगी। ये आपका प्रोग्राम बन गया फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का। अब इसको इसको समझने के लिए तो सिंपली आप मान लीजिए, इसको समझने के लिए हम आपको से यहाँ समझाते हैं। सपोज कीजिए ये पहली लाइन तो कमेंट लाइन है, ये एग्जीक्यूट हुई, ये हेडर फाइल इंक्लूड हो गई, ये फंक्शन जो हम यूज करेंगे आगे प्रोग्राम में उसको हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन प्रोटोटाइप को। अब मेन पे आ गए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एन, अब यहाँ पे क्या आएगा, एंटर एनी इंटीजर, ठीक कोई इंटीजर एंटर कीजिए, और जो एंटर करेंगे उसकी वैल्यू एन में स्टोर हो जाएगी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एन में स्टोर कर दिया से 5। ठीक, अब क्या होगा कि जब इस लाइन पे आएगा फैक्टोरियल ऑफ द एंटर नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ से, तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया जाएगा एन के लिए, मतलब 5 के लिए, तो ये 5 ट्रांसफर होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गए आप, ये आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया 1, अब ये क्या कहेगा इफ एन इज ग्रेटर देन 1, तो आपका 5 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये लूप चलेगा 2 से कहाँ तक, 5 तक, और होगा क्या, प्रॉड इक्वल टू प्रॉड इनटू आई, समझ रहे हैं आप। तो क्या होगा कि प्रॉड सबसे पहले क्या है 1, तो पहली बार में क्या होगा 1 इनटू आई, क्या है शुरुआत में 2, तो 1 इंटू 2 होगा, तो नया प्रॉड हो जाएगा 2, फिर ये यहाँ आएगा 2 इंटू, तब तक n क्या हो चुका होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई 2 से 3 हो जाएगा, फिर ये 2 में जो वैल्यू थी 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर ये 6 प्रॉड हो गया इंटू आई क्या हो गया 4 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, फिर ये 24 यहाँ आएगा 24 × 5 120 आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो, देखिए ये है आपका प्रॉड, ये है आई, और ये है प्रॉड जो नया आ रहा है, जो कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक, और साथ ही साथ हम आपको लिखते भी चले कि एन की वैल्यू हमारी क्या है, ये हम 5 ले चुके हैं, तो जैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं आई की वैल्यू 5 होगी, तो ये जो कंडीशन है, एन इज ग्रेटर देन 1, इफ एन इज ग्रेटर देन 1 तो 5, ये 2 से आई इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ जैसे ये 5 और ये 5 हो जाएगा, ये फॉर का लूप बंद हो जाएगा, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ प्रिंट हो जाएगी।
तो आपको फाइनली ये जो 120 है ये इसका यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल ऑफ द एंटर नंबर इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आपकी आई है ये यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए इसमें जब भी आप अगर दो चीजें हैं, अगर आप प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये फंक्शन हम आगे प्रोग्राम में यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं डिक्लेयर करेंगे तो जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आएगा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, और जब आप डिक्लेयर करे रहेंगे तो वो जानेगा कि हाँ ये फंक्शन यूज होना है, फिर वो फंक्शन पे यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन पे पहुंच जाएगा। ठीक, और अगर आप प्रोग्राम जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, अगर आप ये प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन मेन के पहले यहाँ पे लिखते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक गुड अगर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की, तो आप फंक्शन डिक्लेयर करने की या फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की हैबिट अपने पास रखिए, उसमें फंक्शन का प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन भी बेटर होता है और एरर होने के चांसेस भी कम रहते हैं, और अगर एरर हो भी जाती है तो उसको फाइंड आउट करने में आसानी रहती है। तो आई होप आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को मोटिवेट करेंगे तो आपको भी और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।